ऐसा दिखता है। आई जस्ट होप कि फोटोज में और रील्स में और यूट्यूब में जितना खूबसूरत दिखता है बहुत ज्यादा नीचे है, तो पैर अगर स्लिप हुआ ना यहाँ से भाई तो खत्म है भैया। सोशल मीडिया पे ना हमेशा चीजें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, ये तो हम सबको पता है, बट अगर ऐसा ही कुछ चीज आपको दिखाऊं जो कि दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पे है, बिलीव नहीं हो रहा है ना। आज दिखाऊंगा इस वीडियो पे ग्रैंड कैनियन जैसा स्ट्रक्चर कोटा के पास, चलते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हम लोग रुके हुए थे दी क्लार्क्स प्रीमियर कोटा। अब सुबह हो रहा है, टाइम अभी 10:15 और हम निकल रहे हैं यहाँ से वही ग्रैंड कैनियन देखने। कुछ ऐसा दिखता है। आई जस्ट होप कि फोटोज में और रील्स में और यूट्यूब में जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खूबसूरत इन ह्यूमन, मतलब फिजिकली जब देखो उतने खूबसूरत दिखे। अब मेरे लिए ट्रैवलिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है लोकल फूड, लोकल कुजिन ट्राई करना। तो अभी कोटा में हम लोग वही जा रहे हैं, अभी पता चला है होटल का रिसेप्शन में रतन करके कोई दुकान है जहाँ का कचौड़ी एक नंबर है, ट्राई करके देखते कितना एक नंबर है। तो ये रहा रतन कचौड़ी, गूगल मैप पे डालोगे तो यहाँ सीधा पहुँचा देगा गूगल मैप। तो हींग के कचौड़ी कुछ ऐसा दिखता है, देखो पर प्लेट 40 रुपये जिसमें दो आते हैं, हम लोगों ने एक इधर लिया 20 का, एक पापा के लिए लिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाया दाल कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, समोसे और लस्सी, और दो लोगों का खर्चा कितना है पता है? 100 रुपये बस। बट हालत देखो क्या हो गया, गर्मी इतना है, आए थे मानसून ड्राइव के लिए कि भाई बारिश होगा मौसम के मजे लेंगे, सब चौपट। अब कोटा शहर के बारे में मैंने तो कहीं तो पढ़ा था या कहीं सुना था कि यहाँ ना सारे जो जंक्शंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये राउंड अबाउट्स है और कोई लाल बत्ती नहीं है। और एक्चुअली में मेरे को अभी तक कोई लाल बत्ती दिखा नहीं है, कल शाम से घूम रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी लाल बत्ती नहीं दिखा। धूप देख रहे हो एकदम कड़क कड़क धूप। प्रेडिक्शन था कि आज 60% चांसेस है रेनफॉल का, कहाँ है भाई रेनफॉल, कहाँ है? छोटा सा इंटीरियर रोड्स जो कनेक्टिंग रोड्स होता है फ्रॉम द नेशनल हाईवे टू द मेन सिटी, उसका एक छोटा सा ड्राइव था लगभग 10-12 किलोमीटर का। अभी हम दोबारा आ चुके हैं NH 27 के ऊपर, यहाँ से 8 किलोमीटर शायद हम लोग को सीधा चलना है, फिर वहाँ से कैसे मुड़ना रहेगा। कल हम लोग इसी रास्ते से आए थे, ये रास्ता सीधा आपको चित्तौड़गढ़ लेके जाता है, हम लोग उस साइड से वो वाला लेन से आए थे। तो हम लोग जा रहे हैं गराडिया महादेव। अब देखो यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ेगा, तो कोटा साइड से अगर आप आते हो NH 27 पे आपको ये प्रॉपर बोर्ड वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं, बस बोर्ड देखो और चलते रहो। ये एक्चुअली मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर आता है गराडिया व्यू पॉइंट, देखो प्रॉपर बोर्ड दिया हुआ है, तो हम लोग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जा रहे हैं। और ग्रीनरी देख रहे हो मेरे तरफ, दोनों तरफ लेफ्ट में राइट में ये साइड में देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, मतलब राजस्थान का जो टोपोग्राफी है वो मानसून में अलग ही खेल उठता है, यही सब गर्मियों में आओगे आप तो पूरा बैरन रहता है एकदम बंजर जमीन। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि बहुत लोग आते हो, इस वजह से रोड्स भी वेल मेंटेन्ड नहीं है, तो इससे तो डील करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। ये देखो नीचे छोटा सा कोई नदी है, उसके ऊपर से जा रहे हैं हम लोग। ये है सेंचुरी का मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ पर मुझे लगता है टिकट विकेट भी सब करवाना पड़ेगा, करवा लेता हूँ। तो टिकट काउंटर यही है, यहाँ पर टिकट वगैरह पे कर दिया हम लोगों ने, टोटल 757 लगा दो आदमी का और अपने इस गाड़ी का, थोड़ा सा तो महंगा है बट ठीक है, इतना दूर आए हैं इतना खर्चा तो करना बनता है, क्योंकि अंदर सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही जाना है, 1.5 किलोमीटर के लिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। रास्ता देख रहे हो ये एकदम टूटा फूटा सा है, तो मेंटेनेंस का तो थोड़ा सा कमी है यहाँ पर। और राइट साइड में देखो जंगल, ये और
और ये लेफ्ट साइड में भी पूरा जंगल, जंगल के बीचों बीच ये रोड। पार्किंग का व्यवस्था जो है वो तो काफ़ी अच्छा है, देखो बहुत बड़ा जगह है यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं यहाँ पर इतनी दूर वो कुछ ऐसा दिखता है। क्या खूबसूरत है यार, क्या ब्यूटीफुल है यार व्यू यहाँ से, ये देखो रियली ऑसम। पहले ऐसा कभी कोई चीज़ देखा नहीं है तो मेरे लिए बिल्कुल नया है ये। सुना है मैंने कर्नाटक में गांडीकोटा करके एक जगह है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, उधर भी जाएंगे किसी दिन। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है, क्या खूबसूरत है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा नीचे है तो पैर अगर स्लिप हुआ ना यहाँ से भाई तो ख़त्म है भैया। बट बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो इस तरफ बादल है इसलिए ये छांव है, और इस तरफ कैमरा घुमाऊं तो ये देखो पूरा सनी है ये रीजन। एक ड्रोन होता ना तो बहुत बढ़िया शॉट्स आते यहाँ से। बी प्राक का एक गाना है मन भरया, उसका शूटिंग पॉइंट भी यही है गड़ड़िया महादेव। ये सच में बहुत खूबसूरत है, तो कितना फोटोज लूँ कितना वीडियोज लूँ समझ ही नहीं आ रहा। देखो रोड तो थोड़ा सा ख़राब है बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और गाड़ी नहीं आ सकता, मतलब किसी भी तरीके की गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगा, चाहे वोल्टो लेके आ रहे हो चाहे आप अर्बन एसयूवीज जो हम लोग चला रहे हैं अभी इकोस्पोर्ट वगैरह ये सब लेके आ रहे हो, कोई भी गाड़ी लेके बंदा आ सकते हो। सोशल मीडिया पे ना हमेशा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है बट ये एक्सेप्शन था, मतलब जितना खूबसूरत ये यूट्यूब वीडियोस पे या इंस्टाग्राम रील्स पे या फेसबुक पे जो वीडियोज़ है फोटोज़ है उस पर जो हम लोग देखते हैं ना ये उतना ही खूबसूरत है। बस फ़र्क ये है, फ़र्क तो नहीं बोलूँगा बस एक ही चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप आते हो यहाँ पर मानसून में आओ, मतलब गर्मियों में आके या फिर विंटर्स में आके ये ब्यूटी या व्यू आपको नहीं मिलेगा, ये जो ग्रीनरी है। बाय द वे ये चंबल नदी है और चंबल नदी के ऊपर ये कैनियन है पूरा। देखो वैसे तो मैं क्रिप कर रहा था सुबह जब निकले थे होटल से कि क्लाउडी हो जाए थोड़ा सा बारिश हो जाए, बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, ये देखो इस तरह देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि जब हम लोग उधर खड़े थे उस टाइम पे अगर बारिश होता ना तब अच्छे से वीडियो नहीं बना पाते, अच्छे से फोटोज भी नहीं ले पाते, तो जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठा उसी वक्त बारिश होना शुरू। हाईवेज पे ना आजकल ऐसे छोटे दुकान मिलना बंद हो गया है, हम लोगों को मिल गया आज लकीली। तो यहाँ क्या है, चाय का ऑर्डर, तीन चाय बोला है, यहाँ पियेंगे चाय और फिर निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए। इस वीडियो को करते हो यहीं पर एंड, पता नहीं कितना लंबा बनाए छोटा बनाए वो एडिट करने बैठेंगे तो समझ में आएगा, बट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए ऐसा वीडियोस और लाते रहूँगे, ऐसी जगह और दिखाऊँगा जो जनरल लोग नहीं जानते या नहीं पहुँचते। थैंक यू।